नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आगे बढ़ेंगे खबरों में और सबसे पहले आपको दिखाएंगे आज एक रियलिटी चेक। दरअसल जमाना वो अलग था जब गांवों को हम वहां के ताल तलैया और नदियों की वजह से जानते थे, पहचानते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। वक्त की थपेड़ों ने गांव से नदी और तालाब छीन लिए हैं। ज्यादातर तालाब सूख गए हैं, जो बचे हैं वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है किसानों पर, आज इसी की बात करेंगे। सिंचाई का रियलिटी चेक आपको आज हम दिखाएंगे। बदलते वक्त के साथ गांव की पहचान भी अब बदलती जा रही है। जहां कभी ताल तलैया और पोखर रहते थे, वहां अब सूखे नाले नजर आते हैं। कई इलाकों में थोड़ा पानी है भी तो वो इतना नहीं है कि उसे नाली के जरिए खेतों तक ले जाया जा सके। छोटे छोटे जितने भी तालाब थे सब पूरी तरह से सूख चुके हैं। जो तालाब साल भर पानी से भरे रहते थे वो भी सूखे नजर आ रहे हैं। सिंचाई के लिए किसानों को पंपिंग सेट पर ही अब निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन पानी का ये एकमात्र सहारा इतना महंगा है कि इसके इस्तेमाल में किसानों को भारी परेशानी होती है। प्याज की खेती कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है खेत पटाने में? अभी पटावे में तो देखबे कर हमको छोड़ दे तुरंत, आई हमरा से चालू ना हो भाई, अब ठीक से चालू करते थे। अच्छा, ये बताइए मतलब कितना मतलब खर्चीला हो गया खेती? अब है ना खर्चीला, बिना खर्चा के खेती हो है। अच्छा, पहले पानी जो सड़क किनारे किनारे जो नहर जैसा, पहले तो बरखे से हो जाले, पटावे के ना जरूरी रहे, अब तो है कि पटाते रहते। और बात जहानाबाद की करते हैं, जहां पर जहानाबाद के एक ऐसे ही गांव में जी पुरवैया की टीम गई और ये जानने की कोशिश की हमने कि पहले के मुकाबले अब सिंचाई के तरीकों में कितना बदलाव आया है। रास्ते में कई ऐसे छोटे छोटे नहर और तालाब भी नजर आए जिससे कभी पटवन का काम किया जाता था, लेकिन अब अधिकांश सूख गए हैं। किसानों को खासी परेशानी का अब सामना करना पड़ा है इसकी वजह से। वहीं एक खेत का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज से कुछ साल पहले तक अगर आप गांव में जाते तो आपको खेतों के किनारे किनारे आहर पाइन नहर जैसे चीज नजर आ जाती, लेकिन आज स्थितियां लगातार तेजी से बदल रही है। अब आहर पाइन जो है भी वो सूखते जा रहे हैं और खेतों की स्थिति ये है कि बिना आहर पाइन के खेतों तक पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। और अब आहर और पाइन की जगह धीरे धीरे पंपिंग सेट लेते जा रहे हैं और एक छोटे से जगह में पंपिंग सेट को लगाया जाता है और इसी से बमुश्किल पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। और जाहिर सी बात है किसान इस बात को लेकर बेहद परेशान है कि डीजल के माध्यम से इस पंपिंग सेट को चलाया जाता है और डीजल बाजार में अभी महंगा बिक रहा है और एक लीटर डीजल आम किसानों के लिए कितना मुश्किल भरा काम होता है उसका पैसा चुकाना, यह आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक ऐसे ही किसान के बगल में हम बैठे हुए और इन्हीं से बातचीत करते हैं। बाबा, खेत में पानी पटाना कितना मुश्किल हो जाता है? हो जाना ही है। कितना पैसा खर्च हो जाता है? पैसा खर्चा तो झोला पर तेले महंगा बिकते है, यानी कि डीजल भी महंगा है और पटाने में मजदूरी लगा है 400 ले है इसी ही रोज। अच्छा, तो फिर भी मतलब फसल हो जाता है सही से? वही हो वही आप का हो वही पा फायदा है खेती में? अब फायदा नहीं क्या है। देखिए, इन किसानों की बात से आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदलता जा रहा है और आहार पाइन और छोटे छोटे नहरों की जगह पंपिंग सेट ने ले लिया है, जिसे किसान पटाते तो हैं खेतों में पानी लेकिन कितना कॉस्टली हो जाता है आप किसानों की बात से समझ सकते हैं। ऐसे कई गांव हैं बिहार में, हजारों गांव ऐसे हैं जहां स्थितियां लगातार तेजी से बदलती जा रही है। और एक समय था जब हम गांव में जाते थे
तो आहार पानी नहर देखकर मन खुश हो जाता था, लेकिन आज स्थितियां तेजी से बदलती जा रही हैं। हम कुछ और गांव का जायजा लेंगे, वहां भी जाके ये देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बदलते दौर के साथ गांव की स्थितियां कितनी तेजी से बदलती जा रही है। कैमरामैन गंधर्व के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, जहानाबाद। तो वाकई वक्त बदलता दिख रहा है। कुछ साल पहले तक खेतों के करीब से ऐसे छोटी नहरें निकलती थीं जिससे कभी पानी की कमी नहीं होती थी, लेकिन अब मानसून की बेरुखी और लोगों की लापरवाही की वजह से छोटे छोटे नहर सिमटते जा रहे हैं। जल स्तर पहले से कम होता जा रहा है। ग्रामीण मानते हैं कि धीरे धीरे नहरों के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। ऐसी ही एक सूखी नहर का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो कभी 20 फीट का गहरा नहर होता था, लेकिन आज स्थितियां इतनी तेजी से बदल गई हैं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं बमुश्किल से ये 6 से 8 फीट का ये नहर रह गया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में, जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आहार पाइन और नहरों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, और खेतों के किनारे किनारे ऐसे आहार हुआ करते थे जिसमें किसानों के माने तो सालों भर पानी होता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि अप्रैल का महीना और ये पूरी तरीके से सूखा हुआ, और जाहिर सी बात है गर्मी इतनी जबरदस्त चल रही है, अगर इसमें पानी होती तो शायद बगल में जो खेत है उसमें जो फसल लगाए जा रहे हैं, प्याज और फिर दूसरी तरह के फसल लगाए जा रहे हैं, शायद उसमें पानी पहुंचता, लेकिन आज किसान पंपिंग सेट से पटाने को मजबूर हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मसौढ़ी और जहानाबाद के रोड में लंबा आहार ऐसा है जो धीरे धीरे काफ़ी भरता जा रहा है। पहले जैसे कि जो जानकारी हमें मिली थी लगभग 20 फीट गहरा ये आहार हुआ करता था, लेकिन आज ये स्थितियाँ इतनी बदल गई है कि बमुश्किल से 6 से 8 फीट का ये पोखरा रह गया, और बरसात के मौसम में अगर पानी इसमें आता भी है तो बहुत ज़्यादा पानी अब इसमें टिकता नहीं है। तो साफ है इसकी वजह से किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ये स्थितियां बिहार के किसी एक जगह की नहीं है, कई ऐसे गांव आपको मिल जाएंगे जहां पे आहार पाइन और ऐसे छोटे छोटे नहर और पोखरे सिमटते जा रहे हैं जिसकी वजह से समस्या किसानों को हो रही है। और ये दर्द भरी दास्ता किसी एक जगह की नहीं है, कई इलाकों में सिंचाई का संकट आ गया है। ज्यादातर तालाब और नहरें सूख चुकी हैं, जबकि कुछ जगहों पर पानी है तो वो भी इतना कम है कि उसे खेतों तक ले जाना संभव नहीं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नहर का पानी ले जाने वाले गहरे रास्तों पर दरारें दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर कितना थोड़ा पानी ही बचा है। तो ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जिससे आप किसानों की परेशानी का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो सिंचाई करें तो कैसे करें। तो जहानाबाद की ये दो तस्वीरें जो सवाल उठाती हैं कि एक तो वक्त बदल रहा है, लेकिन ऐसे में वक्त के साथ साथ किसानों की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है सिंचाई को लेकर। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने से जामताड़ा में पानी का लेवल नीचे चला गया है, वहीं फसलों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचता दिख रहा है। खेतों में लगी फसलें अब सूख रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जामताड़ा में करीब 5000 हेक्टेयर में लगी फसलों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। किसान तालाब में कुआं खोदकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे खराब हालत है कुंडहित, फतेहपुर और नाला प्रखंड की। हालांकि जिला प्रशासन जल संकट से निपटने की योजनाएं जरूर बना रहा है। अब तक बरसात के पहले सभी गांवों में अपने प्लॉट में जहां जहां चयनित लागू था उनके खेतों पे वो डोहा बन जाए ताकि बरसात का पानी में संचय रहे। तो आने वाले समय में जो हमारा वाटर टेबल हर साल जो बताया जाता है कि झारखंड में हर साल कहीं 4 मीटर कहीं 5 मीटर कम हो रहा है, तो आने वाले समय में वो वाटर टेबल की समस्या जो है नीचे जाने की वो रुक जाएगी, मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी।